तो गाइज आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त के उपलक्ष्य में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे ये है मेडिकल मोड और हमने स्टार्ट करा था अपना मानसो पार्क से। तो मानसो पार्क से लेके यहाँ तक प्रॉपर झंडा यहाँ पे भारत देश का छोटे बच्चों ने अपना होल्ड कर रखा था और बहुत अच्छा लगा। इतना बड़ा प्रोग्राम कर रखा है गाइज और खास करके पुलिस वाले बहुत अच्छे ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और इसके अलावा काफ़ी वॉलंटियर्स भी हैं जो वॉलंटियर्स यहाँ पे काफ़ी बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, पानी वानी उनको दे रहे हैं और भी सब चीज़ें। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे और भी बच्चे बैठे हैं वहाँ पे और वहाँ है पावर हाउस। आई थिंक ये झंडा जो है ये पावर हाउस तक जाने वाला है। तो एक बहुत अच्छा लगा गाइज देख के कि बच्चे इतने सीरियस हैं और इतना अच्छा उनका एजुकेशन हो रहा है कि वो हमारे भारत देश के बारे में जान रहे हैं। तो गाइज अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में दिखाता हूँ कहाँ से झंडा स्टार्ट हुआ था और क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। तो गाइज अभी मैं हूँ मानसो पार्क के सामने और आप बिल्कुल अपोजिट देख सकते हो, यहाँ से इसकी फ्लैग की स्टार्टिंग हो गई है गाइज। तो 15 अगस्त के उपलक्ष में ये सब यहाँ पे एक मार्च निकाला गया है बच्चों के द्वारा, सभी स्कूल्स के बच्चे हैं यहाँ पे और यहाँ से अभी करते हैं स्टार्ट। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे कहाँ तक है ये झंडा और जहाँ तक कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तो ये पावर हाउस तक है। तो पावर हाउस अप्रॉक्सीमेट यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर्स है, अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर्स इतना तो हो गए। तो गाइज इतना लंबा झंडा बहुत ज़्यादा मेहनत करी है गाइज बच्चों ने, आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पे अवेलेबल है। सभी स्कूलों ने यहाँ पे आई थिंक पार्टिसिपेट करा है, टीचर्स भी अवेलेबल हैं। ये है अशोका गाइज, अशोका पे भी आप देख सकते हो। तो गाइज कितना अच्छा लग रहा है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, मतलब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये बच्चों के अंदर इतनी सीरियसनेस है हमारे गणतंत्र दिवस को लेके। इसका इनिशिएट थोड़ा सा इनके टीचर्स पे भी जाता है तो काफ़ी अच्छा है गाइज। ये देख सकते हो गाइज कितने मतलब बच्चे बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। और ये चलता जा रहा है, एक कारवां है बच्चों का वो चलता जा रहा है, देखते हैं अभी तक कहाँ तक है ये अभी अवेलेबल। अरे वाह, रंग बिरंगी कैप्स डाल रखी है गाइस भारत देश की। अभी ये गाइस ये पहुंच गए हम बजरंग भवन पे, यहाँ भी आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे हैं गाइस और मतलब कितना अच्छा लग रहा है ये देख के। ये बजरंग भवन है गाइस, तो बजरंग भवन तक हम पहुंच गए हैं अभी तक आप देख सकते हो, बिल्कुल मतलब काफ़ी मेहनत करी है इसमें, काफ़ी लंबा ये भारत देश का झंडा है बच्चों ने मिलके तैयार करा है। ख़त्म ही नहीं हो रहा गाइस ये तो, कहीं पे भी चलते जाओ आगे देखते हैं। सभी स्कूलों के बच्चे हैं गाइस ये, कुछ बच्चों से बात हुई थी उन्होंने बताया था कुछ डीपीएस के हैं, कुछ एसडीएम पब्लिक स्कूल डीजीवी के भी हैं। ये गाइस बिल्कुल मेरे अपोजिट बजरंग भवन है आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा स्टेज भी लगा रखा है, ये सामने बिल्कुल बच्चे हैं और कुछ वॉलंटियर्स भी हैं और पुलिस वाले गाइस, पुलिस वाले काफ़ी मदद कर रहे हैं और वॉलंटियर्स है जो बच्चों को पानी वगैरह दे रहे हैं और सब चीज़ों का ध्यान भी रख रहे हैं। तो बच्चों की भी मेहनत है, वॉलंटियर्स की भी मेहनत है और टीचर्स भी इनके साथ चल रहे हैं। ये आप देख सकते हो पुलिस वाले भी बीच में हेल्प कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से और ये टीचर्स हैं, टीचर्स भी काफ़ी अच्छी मदद कर रहे हैं बच्चों की। और एक बहुत अच्छा मतलब बात ये भी है कि टीचर्स ने काफ़ी अच्छी एजुकेशन दी है बच्चों को। और भी व्हीकल्स हैं यहाँ पे और काफ़ी लोग आए हुए हैं, सिर्फ बच्चे नहीं हैं और भी काफ़ी लोग हैं। मैं आपको थोड़ा सा अभी दिखा देता हूँ और भी मतलब इनसे काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, भारत देश का झंडा लिए हुए हैं और 15 अगस्त के सेलिब्रेशन की तैयारी है ये।
तो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बड़े बच्चे भी अवेलेबल है, तो कॉलेज स्टूडेंट्स भी इधर अवेलेबल हैं और स्कूल के स्टूडेंट्स भी है जो इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा 76वां स्वतंत्रता दिवस है भारत का, और आप देख सकते हो काफ़ी लोग आए हुए हैं गाइस, गाड़ियों में भी, जीप भी काफ़ी दिख रही है मुझे, थार में भी काफ़ी लोग है। भारत देश का झंडा इन्होंने ले रखा है सबने। और गाइस बच्चे देखो, छोटे बच्चे, अभी तक फ्लैग अभी तक कंटिन्यू है, मानसो पार्क से चला है ये फ्लैग और अभी तक चल ही रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और पुलिस वाले भी आप देख सकते हो अच्छी मात्रा में यहाँ पे अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट भी और स्कूल के स्टूडेंट्स भी सब अवेलेबल है गाइस यहाँ पे, बड़े छोटे सभी बच्चे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक अच्छा यूथ है यहाँ पे। बाइसिकल्स पे भी काफ़ी लोग हैं, तो हर वर्ग का आदमी यहाँ पे अपने तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहा है। ये कुछ ड्रम्स हैं बैंड बाजे के साथ भी यहाँ पे। ओहो गाइस ये देख सकते हो, उस आदमी को सैल्यूट करता हूँ मैं, उनसे चला भी नहीं जा रहा था फिर भी वो भारत देश का झंडा उठा के अपना चल रहे हैं। तो ये गाइस ये हम पहुँच गए हैं डी पार्क पे, तो ये है डी पार्क बिल्कुल अपोजिट शीतल मॉल है, और उसके आप अपोजिट देख सकते हो अभी अच्छी तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं ये भी भारत देश की आज़ादी के दिवस को, स्वतंत्रता दिवस को। तो बिल्कुल डी पार्क पे भी मौजूद है हम गाइस। मतलब एजुकेशन बहुत अच्छी है, कुछ बच्चे बेचारे परेशान भी हैं, बट खुशी का माहौल आ गए सभी गाइस। कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे अभी अवेलेबल हो गए, और ये आप पुलिस वाले मतलब कितनी मेहनत कर रहे हैं पुलिस वाले गाइस, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा धूप हो छाव हो, पुलिस वाले हमेशा ऑन द ड्यूटी रहेंगे गाइस। चलते हैं बाकी आगे देखते हैं, इधर देखिए कितनी भीड़ आ रही है। शायद ही काफ़ी स्कूलों ने मिलकर ये आयोजन करा है, और बहुत अच्छा आयोजन है गाइस आप देख सकते हो। अभी तक मतलब गाइस छोटे छोटे बच्चे, गाइस कितना लंबा आप देख सकते हो झंडा भारत देश का, मज़ा आ गया गाइस ये देख के। यहाँ तक गई और ये इन्होंने इसमें वो रख रखा है, और इसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे, कौन सा स्कूल है, एसडी पब्लिक स्कूल, ठीक है गाइस। तो सभी स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं गाइस, तो इसमें इन्होंने झंडा रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं कितना लंबा भारत देश का झंडा इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत करा है, बहुत मज़ा आ गया गाइस देख के। और ये आई थिंक वॉलंटियर्स हैं, तो बच्चों की पूरा ख्याल रखा गया है, पानी यहाँ पे वॉलंटियर्स इनको दे के जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा है गाइस। चलते हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के। बच्चे वेटिंग अपने वेट में बैठे हैं, और बहुत अच्छा लगा गाइस।
वाकई में। अच्छा प्रोग्राम इन्होंने कर रखा है। आगे भी बच्चे बैठे, तो इनका मतलब प्रोग्राम आप देख सकते हो, वहाँ आगे भी बच्चे बैठे हैं। ये मेडिकल मोड आ गया हूँ गाइस। मैं स्टार्ट हुआ था मानसो पार्क से, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये है मेडिकल मोड और हमने स्टार्ट करा था अपना मानसो पार्क से। तो मानसो पार्क से लेके यहाँ तक प्रॉपर झंडा यहाँ पे भारत देश का छोटे बच्चों ने अपना होल्ड कर रखा था और बहुत अच्छा लगा। इतना बड़ा प्रोग्राम कर रखा है गाइस, और खास करके पुलिस वाले बहुत अच्छे ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। और इसके अलावा काफ़ी वॉलंटियर्स भी हैं, जो वॉलंटियर्स यहाँ पे काफ़ी बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, पानी वानी उनको दे रहे हैं और भी सब चीज़ें। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे और भी बच्चे बैठे हैं वहाँ पे, और वहाँ है पावर हाउस। आई थिंक ये झंडा जो है ये पावर हाउस तक जाने वाला है। तो एक बहुत अच्छा लगा गाइस देख के कि बच्चे इतने सीरियस हैं और इतना अच्छा उनका एजुकेशन हो रहा है कि वो हमारे भारत देश के बारे में जान रहे हैं।